हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम। बेटा टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द थर्ड पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री एंड द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक इज कॉलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड। बेटा बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर आई वांट टू से समथिंग अबाउट दोज फॉरनर्स हु कंट्रोल्ड हु रूल्ड ओवर आवर कंट्री फॉर टू सेंचुरीज। बेटा what was their opinion when they came in our country in the beginning? So beta, first of all the main purpose was only trade when they came in our country, and there were two foreigners, matlab the merchants of two countries, those were Portuguese and the Britishians. First of all they quarreled with each other, and in that dispute, that struggle, the Britishians were succeeded to run away the Portuguese from India. यानी पहले वो दोनों आपस में लड़ते थे, और उस लड़ाई में जो Britishians merchants थे वो succeed हो गए, उन्होंने पुर्तगालियों के यहाँ से भगा दिया, ठीक है। And those merchants requested the Indian rulers that we would be so obliged you sir if you allowed us to keep some armed persons with us, and the main purpose of this thing is only the protection of ourselves, because we are a foreigner, we are unfamiliar in your country, so please it is your responsibility to protect us, so please allow us to keep our men with arms only for the protection of ourselves. उन्होंने कहा कि सर हम आपके देश में आए हुए हैं, हमारे जान माल की सुरक्षा के लिए ये जिम्मेदारी तो आपकी बनती है, लेकिन आप इसके लिए कष्ट न उठाएं, बल्कि हमें परमिशन दे दें, हम अपने साथ कुछ सशस्त्र व्यक्तियों को रख सकें अपनी सुरक्षा के लिए, और वो सब खर्च हम उठाएंगे, हम आपके बहुत आभारी होंगे। तो बेटा इंडियन रूलर्स वे सो जनरस, सो काइंड हार्टेड दैट डिड नॉट केयर देयर रॉन्ग ओपिनियन, एंड दे डिड नॉट नो, even they did not know that what would be the result of this thing later on. उन्होंने नहीं सोचा कि इसका परिणाम क्या हो सकता है. They allowed them, and those merchants often presented some precious gifts to the rulers to make them please. अक्सर वो समय समय पे उनको जो उपहार भी दिया करते थे उन्हें खुश करने के लिए, ठीक ना, और इस तरह से उन्होंने जो है अपने साथ सशस्त्र सेना रखनी शुरू कर दी, एंड स्लोली डे बाय डे ग्रेजुअली दे इंक्रीज द नंबर ऑफ द सोल्जर्स, वो धीरे धीरे अपने आदमियों की संख्या बढ़ाते गए, हैं, एंड दोज सोल्जर्स प्रैक्टिस्ड एवरी डे ऑफ फाइटिंग वॉर्स, ठीक ना, वो प्रतिदिन जो है अभ्यास करते थे, परेड करते थे, सब कुछ करते थे, और दोज मर्चेंट्स नोटिस दैट द इंडियन रूलर्स क्वेरल्ड एमंग ईच अदर, ठीक है, वो आपस में जो है विद ईच अदर वो लड़ते रहते थे, तो दे वॉन्टेड दे डिसाइड टू गेट सम बेनिफिट ऑफ देयर डिस्प्यूट्स, उन्होंने इनके विवादों का लाभ उठाने की बात सोची, एंड दे रिक्वेस्टेड टू द नियर बाई रूलर दैट सर वेन एवर यू रिक्वायर्ड यू कैन ऑर्डर मी एंड आई would be present with our army in your serve. जब आपको आवश्यकता हो मुझे याद कीजिए, मुझे संकेत दीजिए, मैं आपकी सेवा में अपनी सेना के साथ उपस्थित रहूँगा, our army will fight in your favor, हमारी सेना आपके पक्ष में लड़ेगी। तो बेटा इन दिस वे those rulers took the support of the foreigners armies, and when they conquered, when they became victorious, being pleased, they provided some villages to the foreigners. उन्होंने जो उन foreigners merchants को जो है कुछ गाँव पहाड़ में देने शुरू कर दिए, ये कह करके that you are the owner of these villages and you can impose any type of tax because you are the owner. I shall no interfere in your matter. तो बेटा इन दिस वे दोज फॉरनर्स दैट कंपनी विच वॉज कॉल्ड द ईस्ट इंडिया कंपनी स्लोली ग्रेजुअली डे बाई डे ओवरकम सम विलेजेस
some districts, provinces, and later on over all over the country they controlled. And what did they do after that? They made our India the colonies. उन्होंने हमारे देश को उपनिवेश बना दिया. What means colonialism? We shall discuss about it. तो बेटा let us start our chapter. The chapter's name is colonialism and the countryside. यानी उपनिवेश और देहात. It is also named colonialism and rural society. यानी उपनिवेश और ग्रामीण समाज. It means the countryside. ठीक है बेटा. और यह एक्सप्लोरिंग ऑफिशियल आर्चिव्स. आर्चिव्स का मतलब होता है बेटा डॉक्यूमेंट्स, अभिलेख. ठीक ना. तो एक्सप्लोरिंग टू ओपन टू फाइंड आउट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स. इट मीन्स एविडेंसेस फ्रॉम ऑफिशियल रिपोर्ट्स. जो ऑफिशियल रिपोर्ट्स हैं डॉक्यूमेंट्स हैं उनसे हमें जो एविडेंस मिले हैं थ्रू दोज एविडेंसेस वी कैन गेट द नॉलेज दैट इन what way they made our country the colonies of themselves. उन्होंने कैसे हमारे देश को अपना उपनिवेश बना लिया. तो चलते हैं बेटा. Let us start. In this chapter we shall study that what meant colonial rule. Meant to those who lived in the countryside. ठीक ना. तो बेटा colonies means a rich country who ruled or who controlled over any poor country. That poor country is called the colonialism of that rich country. यदि कोई powerful, strong देश किसी निर्धन देश पर जो है control कर ले और उसका अपने इच्छा से उसका use करने लगे तो वह उसका colonialism कहा जाएगा. ठीक ना. उपनिवेश कहा जाएगा. ठीक है. And they started to use the natural minerals, natural things, natural properties of India in welfare of their country. उन्होंने अपने देश की भलाई के लिए हमारे देश की सभी चीज़ों, सभी संसाधनों का, all the natural resources इनका use करना शुरू कर दिया. तो बेटा when the Britishers came in India, first of all they established their company by the name East India Company. And this company was established first of all in Calcutta. ठीक ना. ठीक है. EIC, East India Company. It was established first of all in Calcutta, which was named East India Company, EIC. तो बेटा what did do the East India Company? बेटा it imposed the revenue policies over the poor. इसने जो है निर्धनों पर जो है एक revenue policies imposed की, यानी राजस्व नीति उसने लगाया. और इसके बाद क्या हुआ, what was the result of that? The poor persons of India gradually become so poor. वो गरीब होते गए while the foreigners became rich. वो prosperous होते गए. And later on the poor persons resisted those Britishers. Resisted means they opposed. उन्होंने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का विरोध किया. किसने? इंडियन पीपल ने, इंडियन पुअर्स ने, जो बेचारे परेशान हो गए. अब उनका शोषण एक्सप्लोशन होने लगा. उन्होंने अंत में इनके खिलाफ जो है प्रतिरोध करना शुरू कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए. तो व्हाट आर द रिसोर्सेज थ्रू विच वी कैन गेट द नॉलेज दैट द पुअर पर्सन्स रजिस्टर्ड ईस्ट इंडिया कंपनी? तो बेटा देयर आर सम रिकॉर्ड्स विच आर फाउंड. दोज आर रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, यानी राजस्व के जो रिकॉर्ड मिले उससे पता चलता है कि उन्होंने क्या इम्पोज किया था, कैसे वो कलेक्शन करते थे. द सर्वेज रिपोर्ट्स, जो सर्वे रिपोर्ट्स मिली हैं उसमें जो एविडेंस मिले उससे हमें पता चलता है. द अकाउंट्स रिटन बाय स्कॉलर्स एंड ट्रेवलर्स,
जो टेलर्स है और जो अन्य स्कॉलर्स है उन्होंने जो कुछ भी लिखा है, जो उनके अभिलेख मिले उनसे पता चलता है कि हाँ उन्होंने रेवेन्यू पॉलिसीज़ की जो है कुछ नीतियाँ बनाई थी गरीबों के ऊपर कि यू हैव टू सबमिट दिस अमाउंट एट एनी रेट, इस तरह से उन्होंने नीति बनाई थी, तो उसके रिकॉर्ड मिलते हैं एंड अदर रिपोर्ट्स, कुछ अन्य बातें भी मिलती जिससे आप हम कह सकते हैं दैट ईस्ट इंडिया कंपनी इम्पोस्ट रेवेन्यू पॉलिसीज ओवर द पुअर पर्सन्स। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि उन्होंने जो है गरीबों पर जो है राजस्व नीति लागू की थी, ठीक है ना बेटा। तो बेटा वेयर वॉज दैट रेवेन्यू पॉलिसीज इम्पोस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, तो बेटा इट वॉज इम्पोस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल इन बंगाल, बिकॉज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ EIC कंपनी वॉज डन इन बंगाल। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा बंगाल एंड द जमींदार, बंगाल और वहां के जमींदार, ठीक बेटा। द कॉलोनियल रूल वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पोस्ट इन बंगाल एंड इट वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल इस्टेब्लिश्ड इन आल्सो बंगाल। द अर्लियर अटेम्प्ट्स वेयर मेड टू रीऑर्डर, व्हाई डिड दे डू सो, उन्होंने ऐसा क्यों किया था, तो बेटा द अर्लियर अटेम्प्ट्स वेयर मेड टू रीऑर्डर रूरल सोसाइटी, रीऑर्डर रूरल सोसाइटी एंड इस्टेब्लिश अ न्यू रिजिम ऑफ लैंड राइट्स एंड ए न्यू रेवेन्यू सिस्टम। इसका मतलब क्या होता है बेटा, रीऑर्डर यानी उन्होंने रीऑर्डर की नीति अपनाई क्यों, बिफोर इट देयर वॉज फाउंड सम फेमाइंस एंड द रिजल्ट वॉज दैट द पर्सन ऑफ पीपल वेयर सो मतलब वेयर स्पेंडिंग सो माइजरीज लाइफ, वो बहुत जो है दुखद जीवन बिताती है क्योंकि वहाँ पे अकाल पड़ गया था, फिर भी जो है टैक्सेशन वैसे ही लिया गया था, तो इन्होंने जो है उस चीज़ को चेंज करने के लिए क्या क्या उन्होंने, दे इम्पोस्ट सम न्यू पॉलिसी टू रीऑर्डर रूरल सोसाइटी, फिर से उनके ऊपर नई लागू की उन्होंने जो रीऑर्डरिंग की है, और क्या बनाया उन्होंने, अ न्यू रिजिम ऑफ लैंड राइट्स यानी जमीन पर जो अधिकार है वो कैसे रहेगा, इसके लिए नीति बनाई एंड ए न्यू रेवेन्यू सिस्टम, और एक नया रेवेन्यू सिस्टम बनाया कि आपको भैया इतना अमाउंट जमा करना है और इससे अधिक यदि आप पाते हैं तो वो आपका है, ताकि लोग खुश हो जाएं। हाँ, इस तरह से उन्होंने जो एक फिक्स्ड रेवेन्यू सिस्टम लागू कर दिया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस रेवेन्यू सिस्टम वॉज इम्पोस्ट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन बंगाल। हाँ, तो चले चलते बेटा इसके बाद जो है इसी के अंतर्गत जो है जो एक पहला पॉइंट है 1.1 एन ऑक्शन इन बर्दवान। तो बेटा ऑक्शन, ऑक्शन मीन्स बेटा सेलिंग डीलिंग ट्रांजेक्शन, यानी आप हिंदी में कह सकते हो नीलामी, ठीक ना। तो एन ऑक्शन इन बर्दवान, बर्दवान बेटा इट इज़ द नेम ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट इन वेस्ट बंगाल, ठीक ना। तो बेटा वहाँ पे जो है एक नीलामी की बात आई थी, कहाँ पे, बर्दवान में, और कब, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट वॉज डन इन 1797 में की गई थी। तो क्या हुआ था बेटा, इसके पहले क्या हुआ था, ये बात 1797 में हुई है जब ऑक्शन की गई थी, कहाँ पे, बर्दवान में। तो इसके पहले इन 1793 में ए परमानेंट सेटलमेंट केम इनटू ऑपरेशन, यानी अभी आपने पढ़ा ना इसमें इन्होंने जो है दे इम्पोस्ट अ न्यू रेवेन्यू सिस्टम अ न्यू लैंड राइट्स, ठीक ना, इन्होंने नया जो लागू किया, तो क्या किया इन्होंने 1793 में एक परमानेंट सेटलमेंट नियम लागू कर दिया है। द परमानेंट सेटलमेंट केम इनटू ऑपरेशन, क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी फिक्स्ड द रेवेन्यू सिस्टम ओवर द जमींदार्स एंड टोल्ड देम दैट दे हैड टू पे अ फिक्स्ड अमाउंट टू द ब्रिटिशर्स एंड
बिफोर अ फिक्स डेट, उन्होंने कह दिया कि भैया जमींदार लोग आप लोगों को इस नियत तिथि से पहले ये अमाउंट जमा कर देना है। एट एनी रेट यू आर अंडर प्रेशर टू डिपॉजिट टू सबमिट दिस अमाउंट, वट एवर में भी, चाहे कुछ भी हो, चाहे वहाँ फाइन पड़े या कुछ भी हो, लेकिन आपको इतना कलेक्शन जमा करना है, ठीक ना। और इन दैट केस व्हेन जमींदार्स वेयर अनसक्सेसफुल टू सबमिट द कंप्लीट टैक्सेशन, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ दैट, द रिजल्ट वाज दैट द किंग्स स्टेट वाज ऑक्शनड, यानी जो राजा का स्टेट होता था उसको नीलाम कर दिया जाता था, समझना, इन द केयर ऑफ द कलेक्टर्स, जो कलेक्टर होते थे उनकी देखरेख में जो राजा का स्टेट होता था उसकी नीलामी नीलामी करा दी जाती थी, समझना। एंड दैट पर्सन हु एग्रीड टू प्रोवाइड द मोस्ट ऑफ ऑल अमाउंट फॉर दैट स्टेट, द ऑल प्रॉपर्टी द ऑल स्टेट वॉज प्रोवाइडेड टू दैट पर्सन, इट मीन्स द स्टेट वॉज प्रोवाइडेड टू हाइएस्ट बीडर, जो सबसे ज़्यादा बोली बोलने वाला होता था व्यक्ति, उसको जो है राजा की स्टेट दे दी जाती थी। बात समझ आया, यानी सबसे पहले जो टैक्सेशन का, जो रेवेन्यू का सिस्टम लागू किया गया था, दैट वॉज इम्पोज्ड इन बंगाल एंड इट वॉज इम्पोज्ड स्पेशली इन जमींदार्स, बिकॉज द जमींदार्स वेयर द ओनर्स ऑफ ऑल द एरिया विच वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग द पीजेंट्स एंड इट वॉज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कलेक्ट द रेवेन्यूज फ्रॉम दोज फार्मर्स पीजेंट्स एंड टू सबमिट टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स एंड इट वॉज ऑल्सो टोल्ड डैम दैट इफ यू आर फेलो टू सबमिट द फिक्स्ड अमाउंट बिफोर द फिक्स्ड डेट, ऑल द प्रॉपर्टी, ऑल द फील्ड्स, ऑल द स्टेट वुड बी ऑक्शन, ठीक ना। तो ये कह दिया था अंग्रेजों ने कि यदि आप नहीं जमा कर सकते हो तो तुम्हारी पूरी स्टेट को जो है नीलामी कर दी जाएगी, एंड दैट वुड बी प्रोवाइडेड टू द हाइएस्ट बीडर, जो सबसे अधिक नीलामी में बोली बोलेगा उस व्यक्ति को तुम्हारे स्टेट का ऑनर बना दिया जाएगा, ठीक ना बेटा। तो आज के लिए इतना ही, इसके आगे नेक्स्ट डे, ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू।